राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात कर जोधपुर में एक एलिवेटेड रोड के निर्माण की मांग की, जिसे नितिन गडकरी ने स्वीकार कर लिया है। गहलोत ने कहा कि अब इस सड़क को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI को सौंप दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जोधपुर में बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता हुई। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस एलिवेटेड रोड का काम NHAI ने अपने हाथों में लिया। प्रदेश सरकार ने बजट 2019-20 में इसकी DPR बनाने की घोषणा की थी, जिसमें क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार ने आवश्यक प्रस्ताव NHAI को भेज दिए थे। भारत सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति की है, जिसके द्वारा शीघ्र ही DPR तैयार की जाएगी। जैसे जैसे मुख्यमंत्री गहलोत योजनाओं के लिए धीरे धीरे रास्ते खोलते जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस जनता के बीच में अपनी अलग पहचान बना पाएगी। सहयोगी विजेंद्र जायसवाल के साथ रौनक पारिक की रिपोर्ट।